लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कैसे करें, शुरुआत कहां से करें, ये समझ ही नहीं आता है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सिर्फ ये सोच ही काफी नहीं है जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। आज जितने भी बिजनेसमैन, एक्टर, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर, जिनकी हम तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, ये लोग भी शुरुआत में आप ही की तरह थे। कामयाब होने के लिए आपको 10 चीजों में महारत हासिल नहीं करनी है, किसी एक चीज में भी अगर आप खिलाड़ी बन जाओगे तो ये दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी। जब एक बार एक सक्सेसफुल इंसान को पूछा गया कि आपके सफलता का राज क्या है, तो उसने एक सिंपल सा जवाब दिया कि वो रोज सुबह जब उठता है तो खुद से बोलता है कि आज मुझे अपना बेस्ट देना है, कि मैं चीजों को जितना बेहतर तरीके से कर सकता हूं मुझे करना है, और ये बातें हर रोज खुद से बोलता है। दिल से मेहनत करने वालों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए, सक्सेस की भूख। जो आप पाना चाहते हो उसे हासिल करने की भूख, सबसे आगे निकलने की भूख, जिंदगी में कुछ कर जाने की भूख। सिर्फ सपने सजा लेने से वो हकीकत नहीं बन जाते, सोचना पड़ता है हर दिन कि सपनों को हकीकत कैसे बनाए। और मेरा एक बात हमेशा याद रखना, जब तक जिंदगी आपको रुलाएगी नहीं, चुनौती नहीं देगी, तब तक आपके लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। बस सोचते ही रह जाओगे कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब जरूर देना। क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लगा हो कि अब तो लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना है? अगर हां तो कमेंट में जरूर बताना। 24 घंटा उन्हें भी मिलता था जो सफल हुए हैं, और हर दिन 24 घंटा आपको भी मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके जीवन में एक मकसद था, आगे बढ़ने की भूख थी, और एक आप हो जिसकी सुबह से शाम कब हो जाती है, कैसे कट जाती है, कुछ होश ही नहीं। मुझे पता है आपके साथ क्या होता है। थोड़ी सी मेहनत क्या कर लेते हो, अंदर से आवाज आती है कि थोड़ा मोबाइल चला लो, काम बाद में कर लेना, अभी सो जाओ, और आप भी वही करते हो। जरा सोचो, आप जो अपने काम को टाल रहे हो, अगर आपको भी आपके मेहनत का फल अभी नहीं बाद में मिले तो सोचना जरूर। अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो अपने माइंडसेट को इस तरह बनाओ कि आपके फैमिली में अमीर बनने वाला सर्वप्रथम आप हो। आप ही अपने फैमिली के साथ जुड़े इस गरीब शब्द को मिटाओगे। जब आप अपने माँ बाप के परेशानियों को, तकलीफों को याद करोगे तो मेहनत करने का मन खुद ब खुद करेगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ आप आगे जरूर बढ़ोगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बी मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।